Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pradella Goyal and आज का मेरा vlog है रोहतांग पे, मिनी vlog कह सकते हैं इसको. और ये हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है. अब बहुत ही अच्छा अमेजिंग व्यू है एंड मैं अपने कजन्स के साथ गई थी. हम लोगों ने ऑब्वियसली कैब किया था बिकॉज रास्ता ही इतना लंबा था, तो ऑब्वियसली हमने सोचा चलो इन्जॉय करते हुए जाएंगे. और इसका व्यू बहुत अच्छा है. इसमें मैंने काफ़ी व्यूज़ कैप्चर किए हैं ताकि आप लोग देख सकें कि कितना सुंदर व्यू है इसका. और उस टाइम हमने एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम रेडी हो रहे थे और हम लेट हो गए थे, तो उस टाइम बहुत बहुत भूख लग गई थी. तो हमने सोचा कि कहीं पर रुक के अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं. तो हमें बहुत अच्छी प्लेस मिली और ये है वो प्लेस. एंड लाइक इसका व्यू बहुत अच्छा था, मतलब ब्रेकफास्ट तो अमेजिंग था एंड जो वहाँ का फूड था वो भी ओके था, इट वाज नाइस. उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम चल पड़े आगे. एंड इसका व्यू कितना सुंदर है, इतना रिफ्रेश फील हो रहा था ना, मतलब लाइफ में ना एक बार एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फील होता है जेन्युइनली. और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी. फिर हम यहाँ पे रुके क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा. हम सब ने यहाँ पे पिक्स क्लिक की और कैप्चर किया सारा यहाँ का व्यू. उसके बाद हमने ऑब्वियसली मैगी खाई, मैगी तो मैंडेटरी होती है अगर माउंटेन्स में आना है तो. उसके बाद पिक्स क्लिक की, मैंने इंस्टा पे भी अपलोड की है. उसके बाद हम आगे चल पड़े. यहाँ पे वो व्यू दिख रहा है नीचे का, वहीं पे थे हम लास्ट, हमारी वीडियो है जो वो यहीं की है. उसके बाद हम आगे गए और बहुत ही सुंदर व्यू होता गया. तो उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिक्स क्लिक की और इसका व्यू बहुत अच्छा था. बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मतलब मुश्किल से कह लो कैप्चर कर ली मैंने फ़ोटो. उसके बाद हम आगे चले और फाइनली हम रोहतांग पहुँच गए. हमने सोचा यहाँ पे बर्फ़ देखेंगे काफ़ी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई बर्फ़ नहीं मिली हमें. जो बर्फ़ है वो दो दिन पहले ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी थी, तो सिर्फ वहाँ लास्ट में टॉप पे पहाड़ पे हमें थोड़ी सी देखने को मिली है बर्फ़, बस उतनी देखने को मिली है. बट एनीवेज व्यू बहुत अच्छा था. हम रुके, हमने कैप्चर किया व्यू को, बट ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत ही लाइक तेज़ हवा थी बिकॉज हम 13,000 feet की हाइट पे थे. तो बट मैंने काफ़ी चीज़ें कार में कैप्चर किया बिकॉज बाहर जाके मेरे बाल तो लाइक प्रॉपर उड़ रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें मैंने कार से ही कैप्चर की है. गाड़ी तक हिल रही थी लाइक इतनी ज़्यादा वहाँ पे हवा चल रही थी. बहुत अच्छा व्यू था, बादल नीचे आए हुए थे, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. उसके बाद हम गए अटल टनल और यहाँ पे मतलब कहते हैं सबसे बड़ी टनल है ये, तो बहुत ही सुंदर बनी हुई है, काफ़ी साफ़ है. और हम काफ़ी देर लाइक इसमें से ही जा रहे थे ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सोलांग वैली और बहुत अच्छा था. वहाँ पे काफ़ी क्राउड था और पैराग्लाइडिंग हो रही थी, काफ़ी अच्छा था. तो हमें दोबारा भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ा सा कुछ खाया, ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया था ट्रैवलिंग करते हुए. हमने इंजॉय किया, हमने पिक्स क्लिक की काफ़ी, और बहुत सुंदर व्यू था इधर भी. हम थोड़ी देर बैठे, हम रिलैक्स हुए, उसके बाद हम चल पड़े आगे वापस. ये मुझे जेन्युइनली याद नहीं क्या था, मैंने कैप्चर किया हुआ बट आई फॉरगॉट. एंड उसके बाद हम रूम में वापस आ गए. मैं जब रूम में वापस आई तो काफ़ी टायर्ड थी, बट ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा. आई होप मैंने वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बोला नहीं है, मतलब बोर नहीं किया है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था रोहतांग का. और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you for watching my video. Bye-bye.